नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ दिनेश ठाकड़ और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल पी एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में। आने वाले समय में क्या रहेगा चने का भाव, क्या चने के भाव में हमें तेजी देखने को मिलेगी या मंदी देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी तो कब तक तेजी आएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाए पास के बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। किसान भाइयों, आपको हमारे चैनल पे खेती से संबंधित मंडी भाव की जानकारी मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करेंगे चने की तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में। किसान भाइयों, लॉकडाउन के पहले चने के भाव में तेजी देखने को मिली थी, जिसे चने का भाव 5000 से 6000 के मध्य बना हुआ था। किसान भाइयों, जिसे चने का भाव अच्छा मिला था, किंतु लॉकडाउन के बाद चने के भाव में गिरावट आई है, जिससे किसानों को चने का भाव नहीं मिला है। किसानों के लिए एक चिंता का विषय है कि चने के भाव में तेजी आएगी या नहीं आएगी। किसान भाइयों, अभी एक सप्ताह पहले चने के भाव में तेजी देखने को मिली है। चने का भाव 4000 से 4600 के प्रति बना हुआ है और चने का भाव दिन प्रतिदिन 100 से 200 रुपये प्रति चने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, अगर ऐसी तेजी होती रहे तो चने का भाव 7000 से 8000 के पार भी हो सकता है, जिससे किसानों को चने का भाव अच्छा मिल सकता है। अगर भारत दूसरे देश में चने का निर्यात करता है तो चने के भाव में हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, इस बार अमेरिका में चने का उत्पादन पिछले साल से बहुत कम हुआ है, जिससे चने की मांग बढ़ रही है और सरकार यह निर्णय भी ले सकती है कि अगर भारत अमेरिका में चने का निर्यात करता है तो इससे चने की मांग बढ़ेगी और चने का भाव भी बढ़ेगा, जिससे किसान भाई चने की फसल को एक अच्छे भाव में बेच भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद तो यही लगा रहे हैं कि अगर भारत दूसरे देश में चने का निर्यात करता है तो चने के भाव में हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, हमने सिर्फ अनुमान लगाए हैं और आप अपने माल को बेचने या खरीदने का निर्णय आप अपने स्वयं के विवेक से ले गए। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।